खबर शाजापुर से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद काला पीपल द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें सभी लोगों ने बड़ी संख्या में भाव व्यक्त किए। कारगिल युद्ध में शामिल हुए श्री बने सिंह परमार, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद काला पीपल, ने बताया कि पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ियों पर थे, हम भारतीय सैनिक नीचे थे। दुश्मन ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, नीचे होते हुए भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अंत हमने विजय प्राप्त की, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वीरगति को प्राप्त हुए। आज पूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम? कार्यक्रम जो हमारे वीर जवान कारगिल की चोटी पर शहीद है उनकी याद में मनाया जाता है। जैसा कि शिमला समझौते के अनुसार जो चोटी पे रहती है दोनों सेना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, दुर्भाग्य यह रहा कि वो लोग तो वहीं रह गए और हमारे सैनिक आ गए, लेकिन जब सर्दी ख़त्म हुई और हमारे सैनिक वापस गए तो वो लोग उन्होंने वहाँ से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके जवाब में हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल चोटी को ऐसा लाल कर दिया और उनको मार के भगा दिया। उसमें हमारे जवान काफ़ी शहीद हुए। उन शहीदों की याद में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी शहीद हुए उनको स्वर्ग में वास दे। जय हिंद, जय भारत।